स्वर्ग सुमन के सभी दर्शकों को एक बार फिर से प्यार भरा आदर भरा जय मसीह की। मैं आप लोगों के साथ एक आत्मिक संबंध को, एक आत्मिक रिश्ते को महसूस करता हूं। जब आप इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, पर अभी मैं आपका चेहरा नहीं देख पाता, पर मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके लिए धड़कता है। आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज का जो संदेश है हमारा, उसका टॉपिक है अपने अधिकारियों के अधीन रहो। बेशक सुनने वाले लोग इसे समझते हैं कि ये पास्टर और कलीसिया के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके अधीन रहने के लिए कहा जाता है। बेशक रहना है, वो भी अपने स्थान पर उचित है, पर स्पष्ट तौर पर यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस हमें उन अधिकारियों के अधीन रहने के लिए कहता है जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, जो इस हमारे देश को चलाते हैं। वो पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, वो जज हो सकते हैं, वो अन्य सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, जो शहर को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है, नियम और कानून में बांध कर रखना है, जो नियम और कानून बनाते हैं, हमें उनके अधीन रहना सीखना है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य बेलगाम भी हो सकता है, बेकाबू हो सकता है, अगर उसे ढील दी जाए, उसे छूट दी जाए। बहुत सारे देश बर्बादी की कगार पर आ गए क्योंकि वहां पर ठीक से रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, लोगों ने अपने अधिकारियों के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। परंतु परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहने की शिक्षा देते हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, जो न्याय और व्यवस्था को निरंतर देश में बहते रहने के लिए, निरंतर कार्य करते रहने के लिए अपने शक्ति और सामर्थ्य लगाते हैं, उनके अधीन हमें रहना है। मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का वचन, रोमियो की पत्री जो नए नियम में है, उसका 13 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। यह ऐसा लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, जो शासन चलाते हैं, जो पार्लियामेंट में 542 सांसद बैठकर इस देश को चलाते हैं, उनके अधीन हमें रहना है। उनके द्वारा नियुक्त किए गए नीतियों को, नियम व्यवस्था और कानून को हमें फॉलो करना है। जो हमारे देश में पुलिस है, जो व्यवस्था को लागू करती है, उसके अधीन हमें रहना है। ट्रैफिक पुलिस के नियमों को हमें मानना है, हमें नियमों को लांघना नहीं है। वचन कहता है, इसी प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आपकी पहचान आपके चाल चलन से है, आपके उठने और बैठने से आपकी पहचान बनती है, आपके नियमों को मानने से आपकी पहचान सामने आएगी कि आप परमेश्वर के द्वारा उसकी संतान ठहराए गए हैं। और जो सामने दिखने वाले मनुष्य के अधीन नहीं रह पाता, वो उस परमेश्वर के अधीन कैसे रह सकता है जो दिखाई नहीं देता। वचन कहता है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जितने अधिकारी हैं, जितने नेतागण हैं, वो सब परमेश्वर के द्वारा ठहराए और बैठाए गए हैं, और हमें उनके अधीन रहना है। जब हम उनके अधीन रहेंगे, हम परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करेंगे। मुझे एक एग्जांपल, मुझे एक उदाहरण, मुझे एक सच्चाई अपने जीवन की घटना याद आती है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं एक बार अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी बाइक पर कहीं से निकल रहा था और मैंने एक चौराहा पार किया। उस समय हेलमेट मेरी बाइक के शीशे पर था और मैंने उसे पहना नहीं हुआ था। मैंने देखा उस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कई लोगों को रोके हुए है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, और वो उनके चालान काट रहे थे। मैं वहां से निकल गया। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, परमेश्वर का वचन मेरी आंखों के सामने आया कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। मैंने अपनी बाइक को यू टर्न लिया, वापस घुमाया और वापस उसी चौराहे पर गया और उन ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी थे उनके पास जाकर रोका, और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, सर ये मेरी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं पहना था, कृपया मेरा चालान काटिए। आप विश्वास कीजिए, उन्होंने बड़ी शालीन मुस्कान मेरी ओर बिखेरी और मेरी ओर देखकर बड़े आदर से कहा, नहीं सर आप चले जाइए। मैंने बोला, क्यों? जो नियम सबके लिए वो मेरे लिए भी है, जो गलती मैंने की वो मैंने, जो गलती मैंने की है उसका मुझे भुगतान होना है। उन्होंने कहा, नहीं
ये उन लोगों के लिए जो गलती करते हैं पर मानते नहीं, पर आप तो अपनी गलती करके मान रहे हैं, इसका मतलब आपको एहसास है, तो कृपया आप जाइए, हम आपका चालान नहीं करेंगे। मैंने बोला सर आपका धन्यवाद, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने बोला हमें आप भले व्यक्ति दिखाई देते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बोला सर मैं एक साधारण मनुष्य हूं, वैसे मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। आप विश्वास कीजिए, वो अधिकारी अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़े और मुझसे कहा कृपया हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। ये सत्य घटना है, जिस शहर में मैं रहता हूं उसी शहर के एक चौराहे पर ऐसा हुआ। उन्होंने बोला हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, हमारे परिवार और बाल बच्चों के लिए। मैंने बोला सर निश्चित तौर पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपके जीवन में अपना अनुग्रह भेजेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे और जो वचन कहता अपने अधिकारियों के अधीन रहो, निश्चित तौर पर प्रभु आपकी इस भावना को आदर देगा और आपको उनसे आदर दिलवाएगा जिनसे आप अभी डरते हैं। वचन कहता ये अधिकारी परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। बाइबल का वचन स्पष्ट तौर पर हमें कहता है अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो। कभी ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे आपके पड़ोसी जो आपको अच्छी नजर से नहीं देखते, उनके हृदय में आपके लिए आदर आएगा, प्रभु ले लेगा, उनकी बोली भाषा आपके लिए बदल जाएगी। वचन कहता है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जिन्होंने आपका हृदय दुखाया है आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनके हृदय में आपके लिए प्रेम और आदर, दया, करुणा, क्षमा सब भर देगा। लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर का वचन फॉलो करेंगे। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु का वचन कहता है, कभी करके देखिए ऐसा। आपको सताने वाले शायद रातों में बेचैन रहे और उन्हें नींद ना आए, पर आपको सुकून की नींद आएगी, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरेगा। ये प्रभु से आशीष पाने के वो साधारण तरीके हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं। वचन कहता है जिस नगर में तुम रहते हो उस नगर की शांति के लिए प्रार्थना करो। कभी अपनी लंबी प्रार्थना की लिस्ट में से अपनी जरूरत की चीजों का समय हटाकर अपने नगर के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे नगर में शांति रहे, किसी प्रकार के झगड़े ना हो, कलह कलेश ना हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो, भाईचारा रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से भरे हो, हमारे शहर में एक्सीडेंट ना हो प्रभु जी, नशाखोरी ना हो, जवान पीढ़ी नशों की लत में ना पड़े लेकिन आपकी महिमा के काम आए। जब आप अपना हृदय और समय परमेश्वर के इन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए उड़ेलेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्ग की आशीष आप पर उड़ेलेगा। याद रखिए वचन कहता है आपका परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसका वचन मानेंगे, वो आपके हृदय की प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप उसकी बातों को आदर देंगे, वो आपकी प्रार्थनाओं को आदर देगा। आप उसके वचन को अपने हृदय में जगा देंगे, वो आपकी प्रार्थनाओं को अपनी कटोरों में जमा कर लेगा। वचन कहता है जब आप आंसू बहाते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, वो आपके आंसुओं को गिरने नहीं देता, वरन अपने कटोरों में जमा कर लेता है, अपनी कुप्पियों में जमा करता है, और जब उसका समय आता है वो आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आपकी गोद में लौटा देता है। स्मरण रखिए आपके अधिकारी आपको डराने के लिए नहीं रखे गए हैं, आपको नियम और कानून मानना सिखाने के लिए रखे गए हैं, और अगर आप परमेश्वर का भय मानकर ऐसा करेंगे आप उनकी दृष्टि में भी आदर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आपको इस वचन से जरूर आशीष मिली होगी। अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे थे आज से ही ऐसा करना शुरू कीजिए, और अगर आप तैयार हैं तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का अनुग्रह आपको बल देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता हम आपका वचन सुनकर आनंदित हैं, सचमुच आपका वचन जीवन से भरपूर है प्रभु, ये हमारे रेगिस्तान रूपी जीवन में हरियाली ला देता है प्रभु जी, ये प्रभु सचमुच उस ओस के समान है जो हर सुबह फूलों पर गिरती है और उन्हें ताजा कर देती है। प्रभु आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए सचमुच उजियाला है, ये हमें ठोकर खाने से बचाता है। प्रभु आज से हम अपने अधिकारियों के अधीन रहने के लिए समर्पण करते हैं कि हम आपके वचन को मानकर अपने देश के तमाम अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग संभाल रहे हैं देश को, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। IAS IPS ऑफिसर्स के लिए, अपने राज्य के तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु आप दया करें, उन पर अनुग्रह दें, इस देश में शांति रहे, हमारे देश में, इस भारतवर्ष में प्रभु जी आपका अनुग्रह आए, आपकी शांति आए, आपका छुटकारा आए प्रभु परमेश्वर, हर प्रकार के कलह और कलेश, लड़ाई और झगड़े चले जाएं प्रभु जी, पड़ोसी देशों के हृदय में भी इस देश के प्रति आप अपना अनुग्रह भर दें, पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे संबंध मधुर पाए जाएं,
हर प्रकार की अशांति और अंधकार सदा के लिए इस देश से चला जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति, संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, स्वर्ग सुमन के तमाम दर्शकों के साथ और विशेषकर हमारे इस प्रिय भारतवर्ष, हमारे इस देश के साथ लगातार होती रहे। आमीन। जय मसीह की।